कर्नाटक को जल्दी मिल जाएगा नया मुख्यमंत्री। अगला मुख्यमंत्री लिंगायत समुदाय से ही होगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज करेंगी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। और बीजेपी संसदीय दल की बैठक में किन मुद्दों पर होगी चर्चा? सियासत से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप नाइन राजनीति। कर्नाटक को आज या कल नया मुख्यमंत्री मिल सकता है, इसके लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ऑब्जर्वर बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान आज बेंगलुरु पहुंच रहे हैं, उनके साथ कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह भी होंगे। दोनों नेताओं को विधायक दल की बैठक करवा कर नई नेता के चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कर्नाटक के कार्यवाहक मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के गृह जिले शिवमोगा के शिकारीपुरा में उनके समर्थक निराश दिखे। सोमवार को उनके सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद उनके समर्थकों ने दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखे। इससे पहले अपनी सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में येदियुरप्पा ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी 5 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। ममता आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद दोनों नेताओं की पहली औपचारिक मुलाकात होगी। इसके अलावा उनका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिलने का कार्यक्रम है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी अपने दिल्ली दौरे में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं से मिलेंगी। ऐसा माना जा रहा है कि ममता इस दौरान विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करेंगी। इसके अलावा वो आज चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ लंच करेंगी। लंच के बाद कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और कमलनाथ उनसे मिलेंगे। संसद में विपक्ष के लगातार हो रहे हमलों के बीच आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक है। बैठक में विपक्ष के हमलों से बचने और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की रणनीति पर चर्चा की जा सकती है। संसदीय दल के सभी सदस्यों को मौजूद रहने को कहा गया है। पीएम मोदी पिछले हफ्ते विपक्ष के संसद की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने को लेकर चिंता जता चुके हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों के नए नए प्रयोगों का सिलसिला जारी है। एसपी बीएसपी के बाद अब आरएलडी पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समुदाय और दूसरी जातियों को जोड़कर नई सोशल इंजीनियरिंग करने की तैयारी कर रही है। इसीलिए आज से आरएलडी जाट मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन शुरू कर रही है। इसका आगाज मुजफ्फरनगर के खतौली से होगा। त्रिपुरा में चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की आईपीएसी की टीम को अगरतला पुलिस ने होटल में नजरबंद कर दिया और पूछताछ की। आईपैक की टीम सर्वे कर राज्य में टीएमसी की स्थिति और राज्य के सियासी हालात का आकलन करने गई थी। त्रिपुरा की टीएमसी इकाई ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया। बीएसपी आज कानपुर की भिठूर विधानसभा के प्रत्याशी घोषित यूपी में चुनाव का बिगुल फूंकेगी। भिठूर विधानसभा में एक कार्यक्रम आयोजित कर प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया जाएगा। बीएसपी कानपुर बुंदेलखंड सेक्टर प्रभारी नौशाद अली की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। उत्तराखंड के हरिद्वार के पूर्व सांसद राजेंद्र कुमार बाड़ी सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गणेश गोदियाल की मौजूदगी में बाड़ी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर देवेंद्र यादव ने कहा कि उनके आने से राज्य में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।